हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को ब्रोज टू ग्रैंड मास्टर सीरीज का पार्ट वन पे। एंड अभी हम लोग ग्रैंड क्विज कर रहे हैं सीएस के अंदर, और आपको तो पता ही होगा कि मैं हूँ अभी ब्रोंज पे, तो इसीलिए मैंने इधर अपना हीरोइक वाले दोस्तों को बुला लिया है। तो अब बिना किसी देरी किए चलो मैच के स्टार्ट करते हैं। अब इधर पहली मैच का बात किया जाए तो मैं अकेला चला गया था इन लोगों से भिड़ने, और इधर ने मेरे को काफी खतरनाक वाला मार पड़ दिया है, तो मेरे टीममेट लोग इनको मारने लगते हैं। लेकिन खैर मैं इधर से एक बंदे को डाउन कर लेता हूँ, और आगे जाके इस वाले बंदे को काफी खतरनाक वाला डैमेज देता हूँ, लेकिन एंड में इधर नॉक हो जाता हूँ, तो मेरे टीममेट लोग इसको खत्म कर देते हैं। इसके साथ हमें इधर पहली मैच से बुया मिल जाता है, जिसकी वजह से मेरा ब्रोंज पे 3 स्टार लग जाता है, एक एक्स्ट्रा स्टार मिलता है मेरे को। और अगले मैच में हमारे ओपोनेंट में एक लड़की आई हुई थी, और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मैं क्या ही खतरनाक खेलता हूँ ना ये वाले मैच में। अब इधर जितनी आसानी से मैंने इन लोगों को मार दिया, उतनी ही आसानी से हम ये वाला मैच भी जीत जाते हैं, जिसकी वजह से मैं ब्रोंज 2 में चले जाता हूँ, और ऊपर से 2 स्टार भी लग जाता है मेरा। लेकिन हम सदमे में तो तब चले जाते हैं जब हमको पता चलता है कि वो पहले वाला ओपोनेंट इस वाले मैच में भी आया है, और तब हमारा रिएक्शन देखो बस। हतियार लेकर आऊँ बाहुबली। चलो कस्तो मैंने अब इधर मैं सोच रहा था मैंने ट्रिपल किल करके उस लड़की को इम्प्रेस कर दिया, लेकिन तीसरा ही राउंड में अभी भाई अकेले ही उनका चारों टीममेट को खत्म कर देते। अब ये देखने के बाद मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि यार लड़की तो हाथ से जा चुकी है, और अब फिर से इम्प्रेस करने के लिए मेरे को ऐसा मारना पड़ेगा जो कि मेरे से होने नहीं वाले। अब ये वाला मैच तो हम काफी इजीली जीत जाते हैं, मतलब यार दो दो बार हमारे ओपोनेंट में आए और दो दो बार उनका रैंक माइनस हुआ, मेरे को काफी बुरा लगा, खास करके उस लड़की के लिए। अब इस वाले मैच से मैं ब्रोंज 3 में चले जाता हूँ, और ऊपर से 1 स्टार भी लग जाता है मेरा। अब इसके बाद हम अगले मैच स्टार्ट करते हैं, और इस वाले मैच में मैं क्या ही खतरनाक वाला कमाल करता हूँ आप देखो बस। जहाँसम्म लाग्छ पछाडि बढाउने सम्भावना हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यतैबाट आयो यार। अब इस वाले मैच में कोई लड़की तो नहीं थी, लेकिन अगर होती तो पक्का इम्प्रेस होती। औकात में रहो, पत्र खा गई थी मेरे रिजर्व में आयरन। उस वाले राउंड में तो मैंने एस मार दिया था, लेकिन यार ये वाला राउंड में भी मैं क्या खतरनाक वाला खेलता हूँ। थोड़ा
अब इस वाले मैच में इतना खतरनाक खेलने के बाद मेरे टीम में एक बंदे को भी भाई चूल मचती है एस मारने का। बट यार मेरा टीम में तीन लोगों को तो डाउन कर लेता है, लेकिन उस आखिरी वाला बंदा बच जाता है और वो कहने लगता है हम उसको ना मारे, उसे मारने दे। तो अब देखो भाई इसी चक्कर में इधर होता क्या है। अब उधर हमारे ना करने के बाद इस वाले राउंड के स्टार्ट में मैं इस वाले बंदे को नॉक करके फिनिश कर देता हूँ और सामने जाके उस एस वाले बंदे को सर के ऊपर एक बुम्बा फोड़ देता हूँ और जाके खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ हम ये वाला राउंड जीत जाते हैं और मैं चला जाता हूँ ब्रॉन्ज 3 से सिल्वर 1 में और ऊपर से 5 का स्ट्रिक बेसर जी, जो कि अगले ही मैच में टूट जाता है। लेकिन इसके अगले राउंड में हम मैच जीत जाते हैं। अब उधर उल्लू बनाने के बाद मेरा इधर रेन के रिक्लासिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से मैं सिल्वर 1 से सीधा सिल्वर 3 में चले जाता हूँ। और इसमें आज के बाद समीर भाई हमसे कहने लगे थे कि गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, मुझे ऑफ जाना है, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा और मैच स्टार्ट कर दिया। और इस वाले राउंड पे हम क्लॉक टावर में फाइट ले रहे थे और मैं इस घर के ऊपर चले जाता हूँ और इधर से कई खतरनाक मारता हूँ एको। और इधर ओपोनेंट और हमारा सिर्फ दो दो टीममेट बचे थे और हम अब इस वाले राउंड में तो हम काफी इजीली जीत जाते हैं, लेकिन चौथे राउंड में मैं अपने दोस्त को क्या ही खतरनाक तरीके से बचाता हूँ ना। लेकिन मैं जब नॉक हो जाऊं तब अब उस वाले मैच में मेरे को रिवाइव ना मिलने की वजह से मैं गुस्से से इस वाले मैच में ऑलमोस्ट एस मार देता हूँ। अब ऑलमोस्ट क्यों ये आप खुद देखो। अब इधर इन दोनों को पहनने के बाद मैं आगे की ओर चले जाता हूँ, क्योंकि यार काफी खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे पे। अब इधर एस तो मेरा नहीं हो पाता, लेकिन इस वाले मैच में हम काफी खतरनाक वाला कमबैक कर रहे थे। जीरो से हमने दो राउंड बना दिया थे और इस वाले राउंड में मैं किल चोने का नाकाम कोशिश करता हूँ। अब जैसे तैसे करके हमने तीन तीन राउंड तो कमबैक कर दिया था और इस वाले राउंड में इतना खतरनाक वाला सीन होता है ना सर जी, भाई पूछो ही मत। ईशा जी का होटल है, मात चोट देंगे। ओए मेरे मन पे यार, तुम्हारे को कर दे रहा है, उन्हें वो कर दे रहा है। ए क्यों मैं वो देखो सन ए मार के छोरे तेरी बहन को भाग बोले भी तू। अबे ईशा जी का होटल है, मात चोट देंगे। अड़क जी का होटल है, मार चोट देंगे। पता नहीं
यार बहुत ज्यादा मार दी मैंने तो एक छोटे काफी खतरनाक तरीके से कमबैक करके हमने ये मैच जीत लिया, जिसकी वजह से गोल्ड वन का टू स्टार लग जाता है मेरा। अब इसके अगले मैच में मैं कितना खतरनाक वाला ग्रेनेड करता हूँ ना। अब इस वाले मैच में मेरा रैंक रिक्लासिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से मैं गोल्ड वन से गोल्ड थ्री में चले जाता हूँ। और इसके बाद हम अगेन एक मैच स्टार्ट करते हैं, और इस वाले मैच में मैं इन दो बंदे को क्या ही खतरनाक पेलता हूँ ना, आपको देखे मजा ही आ जाएगा। अब इधर इन दोनों को इतना खतरनाक तरीके से पेलने के बाद लास्ट में जम हेडशॉट के चक्कर में मर जाता हूँ मैं। अब ये और पहले कॉस्ट करे आंजू तीन बाल के था उन्हें। अब ये वाला मैच तो हम बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे मैच का दूसरा राउंड इसमें काफी तबाही होता है। मलाई मार्ने ऊ रिभाइभ गर्न आयो त्यो जन पन्नी पन्नी कुकुलो ओपन द च्याट गाइस नियर बाय डिटेक्टेड तलो सर तलो सर मलाई मार्छ नि आइस टर डाउन डाउन लाई किल त पाउनु पर्यो मैले फेरि पनि त्यहाँनिर हुँदैछ तो इस मैच की वजह से मेरा रैंक रिक्लासिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से मैं गोल्ड 3 से प्लैटिनम 1 में चले जाता हूँ। तो आई गेस बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि यार देखो मैं हीरोइक तो पहुंच चुका हूं और वीडियो भी है, लेकिन अगर मैं उसको एडिट कर दूं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता यार आपको बोर हो। तो उसको हम 2 दिन बाद अपलोड करेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से उस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।